है दोस्तों, पब्लिक की डिमांड से मैं फिर से एक बार आगे कुछ ऐसी मूवीज का कलेक्शन लेके जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो लेकिन इस बार हम कुछ अलग डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस ये कि इस बार आप लोगों को जितनी भी मैं मूवीज के बारे में बताऊंगा उन सारी की सारी मूवीज का मैं लिंक दूंगा, क्योंकि काफी लोगों की शिकायत थी, मैंने नोटिस किया कि भाई आप लिंक क्यों नहीं देते मूवीज लिंक। तो मैं आप सारी की सारी मूवीज का लिंक दूंगा। अब वो लिंक कहाँ दूंगा वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते मैं आप लोगों को बताता कि मेरे पास कौन सी मूवीज का कलेक्शन है। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज भाई लोग, आप लोग हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, जो साथ ही बेल आइकन है उसको क्लिक करोगे तो वहां पर ऑल का ऑप्शन आएगा, तो उस ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर देना। और हाँ प्लीज, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कुछ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए छोटा सा काम जरूर करो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहली मूवी है लेट द राइट वन इन। ये मूवी आई थी 2008 में। इस मूवी की कहानी शुरू होती है 1981 से, जहाँ ऑस्कर नाम के बच्चे को हम वीवर्स देखते हैं। ऑस्कर की उम्र 12 साल की थी और वो अपने माँ के साथ रहता था। ऑस्कर को स्कूल में काफी बच्चे बुली करते थे, इसीलिए वो उन लोगों से बदला लेने का सोचता रहता था। एक दिन ऑस्कर एली नाम की एक लड़की से मिलता है जो उसकी नई पड़ोसन थी। आगे इस मूवी में क्या होता है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप काफी दिनों तक इस मूवी के बारे में सोचोगे। अगली मूवी है इंटरव्यू विद द वैम्पायर। इस मूवी में हमें टॉम क्रूज और ब्रैड पिट नजर आते हैं। कहानी शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को से, जहाँ एक यंग जर्नलिस्ट जिसको इंटरव्यू के वक्त पता चलता है कि जिस शख्स का वो इंटरव्यू ले रही है वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, वो भी 200 साल पुराना। इसके आगे की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाओगे। इसके लिए मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि प्लीज ये मूवी देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी। अगली मूवी है ओनली लवर्स लेफ्ट अलाइव। इस मूवी में हमें टॉम हिडलस्टन मेन लीड में नजर आते हैं। कहानी शुरू होती है टॉम से, जो एक म्यूजिशियन है। वो काफी सालों से अपनी लवर टिल्डा से मिले नहीं होते हैं। अचानक उनकी मुलाकात टिल्डा से होती है। दोनों ही वैम्पायर्स होते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों लवर्स के बीच कोई तीसरा आता है। ये एक फैंटेसी मूवी है जिसके बारे में आपको जानकर सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट वैम्पायर लव स्टोरी है। अगली मूवी है फ्रॉम डक्स टिल डॉन। ये मूवी में हमें नजर आते हैं जॉर्ज क्लोनी, क्विंटिन और सलमा हयाग मेन लीड में। इस मूवी की कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, सेथ और रिचर्ड। दोनों ने बैंक रॉबरी की है, उन्हें किसी भी तरह से मेक्सिको को बॉर्डर पार करना है। रास्ते में दोनों एक मोटल में रुकने का इरादा करते हैं, पर यह डिसीजन उनका तब खतरनाक हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि मोटल में सारे लोग वैम्पायर हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि वो लोग वहां से निकलते कैसे। तो ये वन ऑफ दी बेस्ट पिक्चर थी जब उस टाइम पे रिलीज हुई थी। आखिरी मूवी है अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड एक ऐसी मूवीज की सीरीज है जिसमें आपको लगभग 6 मूवीज अभी तक रिलीज हो चुकी है और सारी 6 की 6 मूवीज एक से बढ़कर एक है। इसकी कहानी की बात करें तो सेलिना, जिसका रोल यहाँ प्ले कर रही है केट बेकिंसले, इस मूवी में सदियों से चल रही वैम्पायर और वेलवुड की जंग के बारे में बताया है, जिसकी कहानी जितनी सुनोगे उतना ही देखने का मन होगा। मैं इतना को जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे पार्ट्स देख लो, क्योंकि ये मूवी वन ऑफ दी बेस्ट मानी जाती है आज तक वैम्पायर से बनी हुई फिल्मों में। तो ये मूवी और बाकी जितनी भी मूवीज है, सारी की सारी मूवीज के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम अकाउंट के लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम अकाउंट पर जाइए मेरे, वहां ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आपको लगभग सारी मूवीज की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड करके इस मूवीज को आराम से देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। और हाँ, वीडियो को आगे शेयर करें ना भूले। टिल देन बाय।